यार मैं ना काफी देर से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ. ये पीछे जो मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? माइक देना ब्रदर उनको. अब ये ब्रदर सनी. सर ये जो आपने सोना वगैरह पहना है ये असली है? असली है. तो आप चैनल खरीदने आए हमारा? जी ये वैसे इनकी ज्वेलरी की दुकान है, पिछली बार लुट गई थी तो इस बार दुकान लेके घूमते हैं. कहाँ से आए ब्रदर आप? पुणे, पिंपरी. पुणे से? तो यार इतना मतलब कितना होगा तकरीबन? 21-22 किलो पहना होगा आपने? नहीं 3.5 kg. तो भाई साहब ने भी? हाँ दोनों नहीं, मेरा 3 kg. ये एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा सबको, ये विवेक जी के दोस्त हैं. अच्छा. ये दोनों मैं बाहर मिला इनसे और मुझे पता चला कि विवेक जी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. जब बैंक से लोन लेते हैं तो इन दोनों को गिरवी रखते हैं. यार अच्छा ये बात पाजी, मुगलों का तो फालतू में नाम लग गया, सारा सोना तो आप ले गए. पर आप क्या करते ब्रदर? अभी फिलहाल अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी बिजनेस में लगने के काम करने वाले. कॉलेज में भी आप इतने सोना पहन के जाते हैं? हाँ इतने. तो प्रिंसिपल ने तो आपको अलग से 300-400 पुलिस वाले लगाए होंगे आपके ऊपर. कॉलेज ही हमारा है तो प्रिंसिपल क्या करेंगे. ये बाबा ये 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 जूते भी सोने के हैं. भारी है, भारी हो तू तो भाई. आपके पैर क्या है? सोने के सच्ची? अच्छा पर ये आपने सबसे पहली बार कब पहना था ऐसे? पहले बचपन से पहन रहे मतलब एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो बचपन से लेके आज तक खाना खाते खाते 5-6 अंगूठियां तो खा चुके होंगे. गिर जाती है ऐसे. बचपन में जब इनकी माँ इनको पूछते बेटा सोना चाहते तो हाँ बोलते. अच्छा यूनिक स्टाइल है आपका, शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक्स थैंक्स. अब वक्त है उनको यहाँ इनवाइट करने का, जिसके लिए ये तीनों हीरो जो हैं आपस में लल पड़ते हैं, यानी कि फिल्म की लीड हीरोइन उर्वशी राठेला और मस्ती सीरीज का डायरेक्टर मिस्टर इंद्र कुमार. एक बार जोरदार तालियां मिस्टर इंद्र कुमार और उर्वशी रौटेला के लिए. कैसे हैं उर्वशी? जी मैं बहुत अच्छी हूँ. आप नहीं, वो तो हमें पता है. मैं कहा वैसे कैसी? ठीक है. हाँ जी बिल्कुल. तो मेनका लग रही है आज पूरी. तपस्या भंकर में आई आपकी. सर आपके आने से पहले मैं जब आप और उर्वशी नहीं आए थे तो मैंने इन तीनों से एक सवाल पूछा. मैंने कहा आपकी फिल्म में हीरो तो सेम ही रहते हैं तो हीरोइन जो है बदल जाती हैं, तो ये सर इनकी डिमांड होती है कि आपकी इच्छा होती है ऐसे मतलब? अच्छा बाप रे फिर ये ट्रैपिंग वाला सवाल है. बोल दो सर, बोल दो बिंदास. बोल दो. एक्चुअली क्या है कि मैं सच बताऊं सर, बोल दो. लड़कियां जो होती है वो मतलब नहीं नहीं सर 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 बोलो नहीं सर नहीं बोलने का ना नहीं सर वो वाला सच वो वाला सच वो वाला सच बता दो कितना प्यार करते हैं. हाँ क्या हम तीनों कितना चाहते हैं? एक्चुअली हम तीनों कितने अच्छे एक्टर हैं. वो वाला सच सर आपके एक्टर्स तो अपने डायरेक्टर को बोलने ही नहीं देंगे. अच्छा इंद्र ही ऐसा होता है. अच्छा आप सुनना चाहते हो? जी सुनो. नहीं नहीं मैं नहीं बोलना. नहीं सर इंद्र जी प्लीज प्लीज. नहीं नहीं वही कि मैं इन तीनों को इतना प्यार करता हूँ कि इन तीनों को मैं छोड़ नहीं सकता. क्या बात, वी लव यू सर. वाह एक माँ जैसा डायरेक्टर. एक्टर नहीं मेरे बेटे हैं. सर सही सही बताइए, प्यार ही करते हैं कि ये डिस्काउंट दे देते हैं आपको? डिस्काउंट क्या आप उल्टा पैसे देते हो? अब समझ में आई बात. डोंट काउंट ऑन देम फॉर डिस्काउंट. चलिए बहुत अच्छी बात है. और सर आपकी पिछली दोनों पिक्चर जो हैं ब्लास्ट हिट रही हैं और ये अभी कल ही रिलीज हुई और बहुत अच्छा प्यार लोगों का मिल रहा है और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं. आपको एक चीज बताना चाहती थी कि ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर वेरी बिग फैन ऑफ यू कपिल. यू हैव गर्लफ्रेंड्स?
लाइक ऑल माय फ्रेंड्स जो लड़कियों में मेरी फ्रेंड्स हैं स्कूल फ्रेंड्स वो कभी लेके आओ तक ये मैसेज वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो कितना आपसे प्यार करती है एंड दे आर ऑलवेज लाइक जब भी मैं उससे बात करती हूं मुझे कपिल बहुत पसंद है दे ऑलवेज लाइक तो फिर आपको जेलसी नहीं होती सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था कि प्यार पहुंचाने के लिए देखिए मेरी गुजारिश है दो बच्चों के बाप बीच में ना बोले मैं आपस में बात कर रही हूं हमारी कर लो भाई कर लो अच्छा यार मतलब पूरी फिल्म कर रहा है आप मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सारी लाइनें सर मैं यही कहना चाहता हूं ये सारी लाइनें फिल्म के पहले दिन पे इन्होंने मुझे भी बताई थी ऋषि इज इट ट्रू ये मैं सच बोल रही हूं आप पर विश्वास कीजिए ये भी बोला था क्या करूं गर्ल्स लव यू सो मच कपिल ओह माय गॉड मेरे को पता नहीं था कंट्रोल रूम प्लीज ये तीनों एक्टर्स के माइक बंद कर दीजिए हम बात नहीं करने दे रहे अच्छा आपको पता पाजी यहां बैठना यहां बैठ जाओ हैं यहां बैठ जाओ मैं परे हो जाता हूं नो प्रॉब्लम आ जाओ मैं तो बोल रहा हूं या यू यू कैन गो दैट आप उधर बैठ जाइए नहीं मैं ऊपर से देख रहा हूं नजर रखने की जगह है सर नजर रखने के लिए भी कोई चाहिए नजर मतलब इतने कैमरा इतने लोग क्या कर लूंगा मैं ज्यादा ज्यादा कपिल शर्मा भाई कुछ भी कर सकते हो पाजी आपको पता है उर्वशी जो है ये नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है अच्छा उर्वशी आपकी हाइट अच्छी है इसलिए आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं कि बास्केटबॉल खेलती रही है इसलिए लंबी हो गई आप जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे जो डैड है वो 6 feet 2 inches टॉल है अच्छा। मेरी फैमिली में हर कोई टॉल है फेयर है बिकॉज मैं हिमालयस उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ अच्छा बेसिकली आप हिमालय से हैं हिमालय तो भाजी आई तो लव हिमाचल नहीं मैं उत्तराखंड से हूँ आई लव उत्तराखंड ऑल्सो उर्वशी मेरे को ना किसी ने बोला कि आज ना शूट देखने उर्वशी की मम्मी भी आई हुई है मैंने बहुत ढूंढा मेरी अपनी मम्मी तो मिल गई मेरे को नहीं नहीं मत आपकी मम्मी नहीं मिली मुझे मत बुलाना कहाँ आपकी मम्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है ज्यादा खूबसूरत है वो तो फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के पता चलता है कि आप उर्वशी आप क्या हमें बताएंगे आपकी मम्मी इस समय कहाँ मौजूद है जी यू हैव टू स्पॉट हर मेरे को लग रहा है उधर 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 वो लाल लाल उस वाली कपिल वो आपकी बहुत बड़ी फैन है लाल साड़ी वाली पीछे से भी नजर आपकी तेज है नहीं जिस तरह उसने उधर देखा ना वो अपनी माँ को ही देख सकता है अच्छा वो माँ को देख रही थी आप उनकी माँ को देख रहे थे आप बड़ा अच्छा सबसे पहले आप ही ने स्पॉट किया है पाजी लेकिन कसूर नहीं है आपका है ही इतनी खूबसूरत हो और मैं उसकी नजर को फॉलो कर रहा था जी माँ को नहीं कर लो आप अपना कर लो मैं बाद में आता हूँ नजरें कब से फॉलो करने लगे आप भाई लाल हो रहे हो चेहरा लाल हो रहा है ओए साड़ी से मैच कर रहे हैं ना सॉरी मैम हम लोग देखो कौन कहता है मोहब्बत के जबां होती यहां से बयां होती है मिसेज नवजोत कौर सिद्धू इस समय अपना जो भी जरूरी काम कर रही हो इस समय ध्यान से देखिए इस शख्स को मजाक बना रखा है यार तूने पहले यहां मेरी दुराई कराई उससे हद हो गई यार सुमड़ी में गुमड़ी रखी यार अपनी आपस की बात देखा ग्रैंड मस्ती का इफेक्ट है ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती का आपके पापा नहीं आए यहाँ पे जी नहीं वो बिजी है ओहो इतनी सुंदर मम्मी वो कहाँ बिजी है यार मतलब सॉरी भाई मैं मतलब यार हमारे जितने भी एक्टर दोस्त हैं पर सर मैं नहीं नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर देखिए मेरे मन में कोई ऐसी कपिल आप सबसे बड़े मस्तीखोर हैं मैं तो हरामखोर भी बहुत बड़ा हूँ आज क्या खा के आया तू सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं नहीं मैं मेरे में चाम आ जाता पाजी तो कैसी हैं आप मैम शानदार वो तो हमें दिख रहा है मुझे लगता है कपिल को पार्ट फोर में लेना ही पड़ेगा मैं भी नहीं सोच रही हूँ इसकी ये मेरे तीन अनमोल रतन अनमोल रतन में मुझे लगता है चौथा रतन डालना पड़ेगा
तो पक्की बात है अगली जो आपने कही ना कपिल, ग्रैंड मस्ती 4 पक्का है, लॉक कर दो सर। आधा घंटा और रुकिए, आप 6 भी देके जाएंगे। तो इंदर सर जी, नॉर्मली हमारे शो में क्या होता है कि जितने भी स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर आते हैं या हमारे जो दर्शक यहाँ पे देखने आते हैं, तकरीबन उन्हीं के फैंस को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। पर आज मुद्दा थोड़ा अलग है, आज यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, कुछ लोग कंप्लेंट लेकर आए हैं। तो जो भी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती की कास्ट से, उनके डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। आप लोग इस फिल्म में तो बहुत ही मस्ती किए हैं, इससे पहले तीनों में मस्ती की है, और मुझे लगता है कि अपने घर पे भी इसी तरह मस्ती करते होंगे, लेकिन हमारी हमारे जीवन की मस्ती तो एकदम जा चुकी है। आप तो वही है ना परमाणु ऊर्जा वाले? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। जी हाँ जी हाँ। तो आपकी मस्ती क्यों खत्म हो चुकी है सर? असल में क्या, हमारी हमारी जो मैरिज लाइफ इतना पुराना हो गया कि अभी कुछ मजा ही नहीं रह गया लाइफ में। मतलब इनका परमाणु बम फट चुका है। देखिए एक कहावत है कि घोड़ा और आदमी कभी बुढ़े नहीं होते। सर गधों के बारे में कुछ सुना है? लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती इंदु सर इतने धार्मिक मुंह से ऐसी बात आपने करी कैसे? मतलब आपको अनुभव पूरा है सर। ओहो, तो आपको ऐसा लगता है कि मस्ती कम हो जाती है, हालांकि आपकी शादी को 27 साल हुए हैं। आपके बच्चे कितने सर? दो हैं। दो हैं, तो दो दो बच्चों के बाप तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, और तीसरे की भी शादी हो चुकी है। हम इनसे मेरे मेरे तीन हैं। आपके तीन हैं जी? वो तो टैबलेट का कमाल है ये सर। सिक्सर पे सिक्सर, मैं क्या आदत से मजबूर हूँ मैं। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपको कभी एंग्जाइटी होती है या आपको मन मचलता है, तो ऐसी जैसे आपको एसिडिटी होती है उसकी वजह से भी आपको लगता है कि लाइफ में मस्ती कम हुई है, तो उसके लिए भी मार्केट में टैबलेट्स हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।